हेलो स्टूडेंट, दसवीं गणित में हमारी पांच अध्याय में 5.2 पूरी हो गई थी। आज हम करेंगे 5.2 स्टार्ट करेंगे। 5.3 में आपको क्या करना है, जो भी आपको श्रेणी दे रखी है उसके पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो पदों का योग ज्ञात करने का आपके पास सूत्र रहेगा। पहला सूत्र रहेगा ठीक है, ये पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। ये सूत्र आपका तभी रहेगा जब आपको श्रेणी में कौन सा पद दे रखा है, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, यानी मतलब क्या होता है लास्ट टर्म का। ठीक है, अब इसका पहला प्रश्न आप देखिए क्या लिखा है। निम्न के समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न कितने रखा है, 2, 7, 12, 10 और 2 तक। ठीक है, यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका ए कॉमन, बी कॉमन कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले को माइनस कर देंगे कितना जाएगा 5, और 10 पदों तक ज्ञात करना, मतलब एक कॉमन कितना हो गया 10। हम सब लगाएंगे ऐसे बराबर n/2 2n+n-1d। एन का मान कितना रहेगा 10, तो जहाँ पर भी एन वहाँ पर 10 लिख दो, क्योंकि एन के तौर में 10 बचे में 2, ए का मान 2, फिर एन का मान माइनस वन से बी का मान कितना है 10 में 2 का भाग जो कितना रहेगा 5, 2 × 4, 10 में से 9 × 5। ये हो जाएगा 9 × 45 = 4 × 50। अब इसमें अगर हमें 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 45, हासिल कितना जाएगा आपका 4, फिर 5 × 20 = 4 कितना जाएगा 24। ये आपका पौधों का योग ज्ञात हो गया। ठीक है, अब इसके बाकी के प्रश्न सब इसी प्रकार करने हैं, वो आप करेंगे। अब इसका प्रश्न नंबर जो है 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है, मतलब आपको 7 + 10 = 1/2 + 14 और लास्ट में लिखा है 10 + 84। अब क्या होगा, प्रथम पद जो ए है वो कितना हो जाएगा 7, अब पहले जो बी का मान, तो दूसरे को पहले को माइनस करते हैं, तो दूसरा क्या 10 से 1/2 और माइनस 7, तो इसको हल करते हैं पहले। ये आपको जो है मिश्रित बिंदु में करेगा 10 × 20 = 21/2 बराबर माइनस 7, तो इसका लगभग कम नहीं है कितना 21 और हो जाएगा 2 × 14/2 और 21 × 14 = 7/2। अब यह आपको जो 84 है श्रेणी का अंतिम पद है, तो आपको एल का मान कितना दे रखा है 84। हम सोच लगाएंगे SN = n/2 a+n, ठीक है। अब ये आपका जो सूत्र है SN = a+n, ये सूत्र कब लाया था आपको अंतिम पर दे रखा होगा, तो अंतिम पर आपके पास थे। ठीक है, लेकिन अभी अपन का मान ज्ञात करना है n का, n का मान ज्ञात करने का हम सूत्र लगाएंगे an = a+n-1d। an मतलब वही आपका अंतिम पद रहेगा, ये कितना होगा आपका 84, a का मान 7, आप ये चाहो तो यहाँ पे l भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर n का मान ज्ञात करना है, d का मान कितना है 7/2। अब ये 7 + 5 हो जाएगा माइनस का, इधर को चाहिए माइनस होंगे 7/2, 84 में 7 को माइनस करेंगे तो 14 में 7 = 7 = 7, और ये 2 × 2 कहीं मिल जाएगा गुणा में 7 × 2 हो जाएगा 11 × 7 = 11 n-1। अभी हो जाएगा 11 × 2 = 22 n-1। हम माइनस का नजर आएगा, एक हो जाएगा प्लस का, n का मान हो गया आपका 23। ठीक, अब ये मान कहीं में रख देंगे समीकरण 1 में, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से,
समीकरण एक सौ सत्रह क्या था आपका एच एल बराबर एन मतलब दो ए प्लस एल ये तो क्या तेईस, फिर एन का मान तेईस बटे दो ए का मान आपका सात और एल का मान कितना चौरासी, ये हो जाएगा आपका जोड़ेगा तो इक्यावन। अभी इससे कटेगा नहीं तो बस इसका गुणा कर देते हैं, तीन एकम तीन तीन नौ सत्ताईस तिरपन दो नौ अठारह तीन नौ दस के शून्य सीधे टू जीरो थ्री बटे दो। अब इसके बाकी क्वेश्चन सेकंड थर्ड एक्सरसाइज इसको आप करेंगे और आगे वीडियो में प्रश्न नंबर तीन करेंगे। थैंक यू।